हमारे साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं। मिथिलेश जी, पहले तो शिबू सोरेन जीत गए उसके लिए बधाई, लेकिन बीजेपी को संख्या से अधिक वोट पड़े। देखिए, ये बताने की बात नहीं, अपने खेल में सफल हुए, वो जो खेल खेलते आए हैं पूरे देश में। कहीं की सरकार, बहुमत की सरकार गिरा देते हैं धन बल पर, आज वही खेल यहाँ भी हुआ, धन बल का खेल हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि यहाँ कोई जनसंपर्क के लिए हवाई जहाज नहीं आया था, धन संपर्क के लिए हवाई जहाज आया था, ये पूरी तरह से परिलक्षित हो गया। आप लोगों से कोई चूक नहीं है, ऐसा नहीं मानते कि आप लोगों ने प्रयास कम किया? देखिए, हमने प्रयास, हमारे पास आंकड़े हमारे पक्ष में थे, हम खरीद फरोख्त पर विश्वास नहीं रखते। अगर हम भी खरीद फरोख्त पर विश्वास रखते तो हो सकता है कि आंकड़े हमारे पास हम, लेकिन हम लोकतंत्र पर विश्वास है हमें, और हम लोकतांत्रिक रूप से हम राजनीति करते हैं, इसलिए हमने कभी ऐसा प्रयास न किया और ना आगे करेंगे, और आगे इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, इसका हम भरोसा दिलाते हैं। क्या लगता है कि कौन ऐसा किया? अब जिन्होंने इनके पक्ष में, जो इनके विरोध जीत किया, इनके पक्ष में मतदान किया, अब इनकी अंतरात्मा बताएगी कि कैसी क्या मजबूरी थी इनकी कि इन्होंने इनके भाजपा के पक्ष में मतदान किया। लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि आप लोगों ने सिर्फ एक अल्पसंख्यक चेहरा दिया, वो भले ही कांग्रेस दी, सिर्फ उसकी भरपाई की है, क्योंकि सवाल फिर नहीं होते क्यों उसके बाद प्रयास। हमारे दोनों उम्मीदवार काफ़ी परिपक्व, हमारे एक तो झारखंड के निर्माता हमारे देशों गुरु शिबू सोरेन जी, और दूसरे काफ़ी पुराने राजनेता हैं, जो लोग नहीं जानते, जो राजनीति में नए हैं, कच्चे हैं, वो जानते होंगे। शहजादा अनवर जी भी बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, और हम ऐसा कोई आईवाश का काम नहीं करते हैं। हमने सोच समझ कर दिया था उम्मीदवार, और आंकड़े भी हमारे पक्ष में थे, और उसके बीच में इस तरह का खेल होगा, ये हम इस तरह का खेल हम करते नहीं हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, महागठबंधन के लोग सीधी राजनीति करते हैं, और आंकड़े को आंकड़ों की राजनीति करते हैं, इसलिए धोखा दिया गया। अब धोखा कहें या जो कहें, धोखा कहें या खरीद फरोख्त कहें, जो कहें, वो विधानसभा का उपचुनाव भी होना है, उस पर लगता है कि असर पड़ेगा इस परिणाम का? 200% हम दोनों चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वो चुनाव जनता करती है।